अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से आपका टीचर्स अकील अहमद आपके सामने हाजिर है। आपको बीए बीकॉम बीएससी या एडीए एडीसी एडीएस की कंपलसरी इंग्लिश की जो किताब है पार्ट वन में, उसका पहला टॉपिक जो आपको नज़र आ रहा है, मैं ये टॉपिक पहले आपको पढ़ूंगा, इनका उर्दू ट्रांसलेशन करूंगा, इनमें जो मैंने निशान लगाए जो मुझे मुश्किल अल्फाज नज़र आ रहे हैं उनका मैं मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है, लेकिन इंग्लिश में मीनिंग बताऊंगा उसकी, और दूसरा फिर उसका ट्रांसलेशन करूंगा बाकायदा। उसके बाद उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इंग्लिश में ही और साथ साथ उर्दू भी कर दूंगा उसकी। चलें, हमारे पास ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है यूनिट नंबर वन, बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर रेजिडेंट से स्टॉप। बीच रोड ट्रैफिक डरावना ख्वाब रिहायशी कहते हैं स्टॉप, यानी एक बीच रोड पर एक कुछ ट्रैफिक का निज़ाम में तब्दीलियाँ आई हैं जो लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे बायस होती हैं, जिसको वहाँ के रिहायशी चाहते हैं कि ये स्टॉप हो तब्दीली और रोड जिस तरह पहले पूरा अमन था वैसे ही रहे। हम टॉपिक में पढ़ेंगे जैसे जैसे, जी मैं इसको आपको और करीब करता हूँ, पढ़ता हूँ साथ में। रेजिडेंट्स and schools in beach road are protesting against new traffic arrangements which have comma according to one residents comma turned our lives into a nightmare। नाइटमेयर यहाँ पे ड्राउन ख्वाब की तरह का है कहते, ठीक है, क्या मतलब इसका पढ़ के सुनाया, मैं मतलब बताता हूँ आपको। बीच रोड के रिहायशी और स्कूल ट्रैफिक के नए इंतज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जिसने एक रिहायशी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू वन रेजिडेंट्स मुताबिक हमारी ज़िंदगी को एक डरावने ख्वाब में बदल दिया है। टर्न माने बदल दिया है, आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी को इनटू में अ नाइटमेयर डरावने ख्वाब, ठीक है। दोबारा इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। बीच रोड के रिहायशी और स्कूल ट्रैफिक के नए इंतज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जिसने एक रिहायशी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को एक डाउन ख्वाब में बदल दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर रेजिडेंट्स का लफ्ज़ आया है, मैं रेजिडेंट्स की मीनिंग बताता हूँ आपको। रेजिडेंट्स मीन पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी ख़ास एरिया में जो लोग रहते हैं उस एरिया के रहने वाले लोगों को रेजिडेंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है ना स्कूल्स, स्कूल का मतलब है इंस्टीट्यूशन, इदारे, फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ऐसे इदारे जो तालीम मुहैया करते हैं उनको स्कूल्स कहते हैं। फिर मैंने एक लाइन लगाई है प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग का मतलब है डेमोनस्ट्रेटिंग, डेमोनस्ट्रेट बोलते हैं मुजाहरा करने को, और टेकिंग एक्शन या ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं जिसमें कोई एक्शन ले रहे हैं, किस अगेंस्ट माने खिलाफ होता है, न्यू माने नया ट्रैफिक अरेंजमेंट, एक नया ट्रैफिक का जो निज़ाम आया है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये बीच रोड पर रहने वाले रेजिडेंट्स और स्कूल्स जितने भी हैं, स्कूल के इंतजामिया वगैरह सब कर रहे हैं एहतजाज, विच हैव अकॉर्डिंग टू वन रेजिडेंट, एक रिहायशी कहता है, एक रिहायशी के मुताबिक बता रहे हैं, टर्न तब्दील कर दिए आवर लाइव इनटू अ नाइटमेयर, हमारी ज़िंदगी को एक ड्राउने, नाइटमेयर माने ड्राउने ख्वाब में बदल दिया है, नाइटमेयर माने अ वेरी अनप्लीजेंट और फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को, ट्रैफिक अरेंजमेंट की भी मतलब बता दूं, द वे दैट ट्रैफिक इज़ मैनेज, इस पैराग्राफ में इतने ही वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी आपकी। इस पैराग्राफ की मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पहले इंग्लिश में देता हूँ फिर उर्दू में दूंगा आपको। दिस पैराग्राफ इज अबाउट अ प्रोटेस्ट दैट has taken place in beach road by the residents and schools in the area.
द रीज़न फॉर द प्रोटेस्ट इज ड्यू टू न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन द एरिया अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रेजिडेंट्स. दिस न्यू अरेंजमेंट्स हैव negatively affected their daily lives and made them a nightmare. So in short, the residents and schools in Beach Road are unhappy with changes made to the way traffic is managed in the area and are staging a protest to express their dissatisfaction. तो ये मैंने इंग्लिश में इसकी पैराग्राफ में जो बताया गया है उसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे दी. जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इस एक्सप्लेनेशन को ही जो जब ये पैराग्राफ इम्तहान में आता है सीन पैसेज के अंदर जो है बुक से यही इस टाइप की एक्सप्लेनेशन करना होती है जिस तरह मैंने इसकी करी है. पैराग्राफ क्या बता रहा होता है ठीक है. मैं आपको इस जो मैंने अभी उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो इसकी एक्सप्लेनेशन करी है इंटरप्रिटेशन करिए उसको उर्दू में भी कर दूं ताकि आपकी सहूलत के लिए रहे. मैंने इसमें अभी बताया यह है कि ये पैराग्राफ बीच रोड पर इस इलाके के मुकीन बोलते हैं रिहायशियों को और स्कूलों के एहतजाज के बारे में है. एहतजाज की वजह इलाके में नाफिज किए गए नए ट्रैफिक इंतजाम हैं. एक रिहायशी के मुताबिक इन नए इंतजाम ने इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मनफी तौर पर मुतासर किया है और उन्हें एक डरावना ख्वाब बना दिया है. लिहाजा बीच रोड के रिहायशी और स्कूल इलाके में ट्रैफिक के इंतज़ाम के तरीके में की गई तब्दीलियों से नाखुश हैं और अपने अदम इत्मीनान का इजहार करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं आगे का. आपको नज़र आ रहा है, पढ़ता हूँ. ये द न्यू अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे. इसको ब्रैकेट में दिया है ब्लैक मंडे यानी सिया दिन, काला दिन जो होता है काला पीर, पीर का दिन को सिया पीर कहा गया है. एज अनदर रेजिडेंट कॉल्ड इट, एक रिहायशी ने कहा था ये वहाँ के रहने वालों में से. बट बिफोर देन कॉमा बीच रोड वाज अ वन वे रोड फॉर ट्रैफिक ट्रेवलिंग. इससे पहले जी तब्दीली से पहले ये रोड जो था एक वन वे था, एक ही तरफ की ट्रैफिक चलती थी, जो पुरसकून रहती थी, कम ट्रैफिक गुजरती थी. ट्रैवलिंग फॉर ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ से आती थी, साउथ से चलती थी नॉर्थ की तरफ. दिस सूटेड द रेजिडेंट्स, ये उनको मुआफिक थी ये ट्रैफिक, उनको वो आदि भी थे इसके. एंड द थ्री स्कूल देयर, और वहाँ पर तीन स्कूल भी थे, बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे थे, खामोशी थी ज़्यादा. बिकॉज नॉट मच ट्रैफिक यूज द रोड, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी इसलिए तालीम भी अच्छी दी जा रही थी, लोगों को गुजर भी आसानी से हो रहा था वहाँ पर. Most use the more convenient hill street, comma, two blocks to the west, which was also open only to traffic traveling from south to north. ये मैंने आपके सामने पढ़ा है. अब इसकी मैं उर्दू ट्रांसलेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इसकी ट्रांसलेशन सुन लीजिएगा. मैं बताता हूँ आपको. नए इंतजाम गुज़िश्ता पीर को नाफिज हुए, ब्रैकेट में आपको कहा गया है ब्लैक पीर, जैसा कि एक और रिहायशी इसे कहते हैं. ब्रैकेट में जो मैंने बताया इसमें उसका तर्जुमा यह है कि ब्लैक पीर, जैसा कि एक और रिहायशी इसे कहते हैं. लेकिन इससे पहले बीच रोड जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए एक यकतरफा सड़क थी. ये वहाँ के रिहायशी और तीनों स्कूलों के लिए मौजूद था, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक सड़क का इस्तेमाल नहीं करती थी. ज़्यादातर इस्तेमाल ज़्यादा आसान हिल स्ट्रीट. मगरिब में दो ब्लॉक्स भी सिर्फ जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए खुली थी. तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको इसका बता दिया है और मैं इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड का मतलब बताता हूँ. इसमें हुआ है कैम इंटू फोर्स, वर्ड आया है कैम इंटू, यह आया था वर्ड कैम इनटू फोर्स, जिसका मतलब है बिकम ऑफिशियली वैलिड और इफेक्टिवली. फिर वर्ड आया था लास्ट मंडे, ये वर्ड आया था लास्ट मंडे. इसकी मीनिंग बता देता हूँ, द मंडे दैट मोस्ट रिसेंटली अकर्ड. ठीक है,
फिर इसके बाद वर्ड आया था वन वे रोड, ये था वन वे रोड। वन वे रोड की मीनिंग बताया था आपको, अ रोड वेयर ट्रैफिक इज अलाउड टू ट्रेवल इज ओनली वन डायरेक्शन, यानी ऐसा रोड जहाँ पे ट्रैफिक को इस बात की इजाज़त थी कि एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, यानी जैसे इधर चल रही तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है बस वो, अब जब तब्दीली कर दी तो एक इधर डायरेक्शन में जा रही है और एक यहाँ से भी जा रही है गाड़ी और एक यूँ जा भी रही है, बहुत ट्रैफिक हो गई इसकी वजह से। ठीक है, फिर वो एक वर्ड था हमारा साउथ टू नॉर्थ की तरफ, इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल होता कहीं अभी जो मैंने अभी नोट किया था यहाँ पे, साउथ टू नॉर्थ इसमें इस्तेमाल हुआ है वर्ड, वो जब भी पढ़ते हुए नजर आया था तो उसका मतलब बता देता हूँ, द डायरेक्शन इन विच ट्रैफिक इज अलाउड टू ट्रैवल ऑन द रोड फ्रॉम द साउदर्न एंड टू द नॉर्दर्न एंड, यानी मगरिब के कोने से शुमाल के कोने तक जा रहे थे ट्रैफिक का एक ही फ्लो था। फिर इसमें एक और वर्ड आया कन्वीनियंट का लफ्ज़ आया है, ठीक है ये नज़र आ रहा है आपको जो कन्वीनियंट जो वर्ड मेरे को नज़र आ रहा है, कन्वीनियंट ईजी टू एक्सेस और यूज़, कन्वीनियंट माने आसानी, ईजी होती है टू एक्सेस कहीं पहुंचने के लिए आसानी होती है या यूज़ करने के लिए आसानी होती है। बिफोर देन का लफ्ज़ भी आया था इसके अंदर, ये था बिफोर देन, बिफोर देन का मतलब है बिफोर द न्यू अरेंजमेंट केम इन टू इफेक्ट, एक वर्ड इसके अंदर आया था फेवर, ठीक है जो जो नया जो पुराना सिस्टम था वो उनको फेवर कर रहा था, वर्ड आया था यहाँ पे फेवर जिसका मतलब था लाइक और अप्रूव ऑफ, और एक आया था ब्लॉक्स का लफ्ज़ आया था कहीं ब्लॉक्स, ये रहा ब्लॉक्स के माने हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ डे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसकी मीनिंग बताई, अब इस पैराग्राफ की मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इंग्लिश में और उसके साथ साथ फिर उसकी उर्दू में भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है तो आप मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस पैराग्राफ को जो मैंने पढ़ के बताया आपको। दिस पैसेज इज प्रोवाइडिंग, या पैसेज बोल लें या पैराग्राफ बोल लें, दिस पैराग्राफ इज प्रोवाइडिंग फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रैफिक अरेंजमेंट्स मेंशन इन द प्रीवियस पैसेज, यानी पैराग्राफ बोल सकते हैं पैसेज बोल सकते हैं। इट एक्सप्लेन दैट द न्यू अरेंजमेंट्स वेंट इनटू इफेक्ट लास्ट मंडे व्हिच वाज रेफर्ड टू बाय अनदर रेजिडेंट एज ब्लैक मंडे, बिफोर दिस न्यू अरेंजमेंट्स बीच रोड वाज अ वन वे रोड फॉर ट्रैफिक ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस प्रीवियस अरेंजमेंट वाज फेवर्ड बाय द रेजिडेंट्स एंड द थ्री स्कूल्स इन द एरिया बिकॉज दे वर नॉट मच ट्रैफिक ऑन द रोड, मोस्ट ट्रैफिक यूज हिल स्ट्रीट व्हिच इज टू ब्लॉक्स टू द वेस्ट एंड ऑल्सो ओपन्स ओनली टू ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो इन शॉर्ट द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स वेंट इनटू इफेक्ट लास्ट मंडे एंड चेंज द previously established one way road set up on beach road, the residents and schools in the area preferred the previous arrangement because there was less traffic on the road। तो ये मैंने इसकी explanation दी है पैरा नंबर टू की, ठीक है इसको मैं जो मैंने अभी explanation दी है मैं उर्दू में भी आपको बता देता हूँ जो मैंने क्या explanation दी है। यह हवाला पिछले इक्तबास में मस्कूर ट्रैफिक इंतजाम के बारे में मज़ीद मालूमात फ्राहम कर रहा है, ये बताता है कि नए इंतजाम गुज़िश्ता पीर से नाफिज हुए जिसे एक और रिहायशी ने ब्लैक मंडे कहा, इन नए इंतजाम से पहले बीच रोड जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए एक तरफा सड़क थी, इस सबका इंतजाम को इलाके के रिहायशियों और तीनों स्कूलों ने पसंद किया क्योंकि इस सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक ने हिल स्ट्रीट का इस्तेमाल किया जो मगरिब में दो ब्लॉक्स हैं और ये सिर्फ जनूब से शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए खुलती है, लिहाजा मुख्तसरन ट्रैफिक के नए इंतजाम गुज़िश्ता पीर से लागू हुए और बीच रोड पर पहले से कायम करदा यक तरफा सड़क के सेटअप को तब्दील कर दिया, इलाके के मुकिनों
और स्कूलों ने साबका इंतजाम को तरजीह दी क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक कम थी। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा जो हमने भी दो पैराग्राफ एक्सप्लेन किए हैं, उनका तर्जुमा बताया, उनमें इस्तेमाल होने डिफ़िकल्ट वर्ड बताए हैं। अब अगर हम सारे पैराग्राफ को अभी डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। बाकिया पैराग्राफ को अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर रख देते हैं, उसमें हम करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, दूसरे लोगों भी इससे इस्तेमाल हासिल कर सकें। तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा जिसमें हम ये टॉपिक को कवर करेंगे, जो बाकी पैराग्राफ रह गए हैं। 36 पैराग्राफ हैं इसमें, हमने 1 और 2 पैराग्राफ कवर किया है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कितने पैराग्राफ कवर होते हैं। शुक्रिया।